हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम रामायण का अध्याय एक अवधपुरी में राम का अध्ययन करते हैं। अयोध्या अवध में सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई थी। इसकी सुंदरता देखने योग्य थी। अयोध्या में केवल राजमहल ही सुंदर नहीं था, इसकी एक एक इमारत आलीशान थी या बहुत अधिक सुंदर थी। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे और तालाब भी पानी से पूरे भरे हुए थे। अयोध्या हर प्रकार के सुख साधन से संपन्न थी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यहाँ की संपन्नता एक कोने से नगर के आखिर तक फैली हुई थी। अयोध्या कोसल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ भी यहीं पर ही राज करते थे। राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र और महाराज रघु के वंशज थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव भी चारों तरफ दिखाई देता था। पवित्रता और शांति हर जगह पर फैली हुई थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ एक यशस्वी राजा थे, जो यश को प्राप्त थे, जिनको किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। लेकिन एक दुख हमेशा उन्हें सताता रहता था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि उनकी आयु भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी ये दुख हमेशा रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके बिना उनका जीवन हमेशा सूना सूना रहता था। और हमेशा उनके बीच इस बात को लेकर जो है चर्चा होती रहती थी। बहुत सोच विचारने के बाद राजा दशरथ ने इस संबंध में बातचीत करने के लिए मुनि वशिष्ठ को बुलाया और उन्हें इस संबंध में सारी बात बताई। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ या पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाएं, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी शिंग रिंग की देख रेख में हुआ और तमाम ऋषि मुनि यहाँ पर पधारे और सभी ने मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के साथ वह उस यज्ञ में आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की थी। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होते ही अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय के बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हो गई और तीनों रानियाँ पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने चैत्र मास की नवमी के दिन राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई ने भरत को जन्म दिया और राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई और मंगल गीत गाए गए। आयोजन में दूर दूर से लोग आए हुए थे, जिनका राजा दशरथ ने पूरा सम्मान किया, उन्हें कपड़े अनाज देकर विदा किया। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए। वे दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब भी वो खेलने के लिए बाहर निकलते तो सभी लोग उनकी तरफ एक टक या नज़र गड़ाए हुए देखते रहते थे। और बड़े होने के बाद राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया, यानी कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया था, ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्रों की विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, अर्थात तेज बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के थे। जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगत हो गए, अर्थात निपुण हो गए। राम उनमें सर्वोपरि थे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर राम थे। वे विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता के जो हैं उनके अंदर जो है विवेक और शील स्वभाव, न्यायप्रियता के गुण भी विद्यमान थे। राजा दशरथ को राम उनमें सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि वो उनके ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। राजकुमार बड़े हुए तो राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया, यानी कि पंडितों को से भी जो है इस बारे में चर्चा की गई। तभी एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ अपना आसन छोड़कर उसी समय खड़े हो गए और महर्षि विश्वामित्र को
सम्मान सहित अंदर लाने के लिए बाहर आए। उन्होंने विश्वामित्र को ऊंचे आसन पर विराजमान किया या बैठाया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, वो बहुत ही बड़े और बलशाली थे, शक्तिशाली थे। बाद में अपना राजपाट उन्होंने छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने महर्षि से कहा कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपने मन की बात बताइए, आपकी आज्ञा हर प्रकार से मैं पूरे करने का प्रयास करूँगा। महर्षि ने, राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बिल्कुल भी पीछे नहीं हिचकूंगा, नहीं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, और जिसमें दो राक्षस विघ्न डालते हैं या बाधा डालते हैं। उन राक्षसों को केवल एक व्यक्ति आपका पुत्र राम ही मार सकता है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। राजा दशरथ ने महर्षि की बात सुनते ही जैसे वो एकदम से अचकचा गए, अचंभित हो गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र राम को। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। और महाराज दशरथ यह सुनकर बहुत अधिक दुखी हो गए। उन्हें डर था कि उन्हें अब पुत्र वियोग सहन करना पड़ेगा। महर्षि शांत थे और इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। वो फिर से एक बार उठे और फिर से जो है वो दोबारा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इस पाठ का दूसरा भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।